अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से ही क्या कुछ कार्यक्रम अयोध्या में शुरू होने जा रहे हैं, वहां जो रामलला की मूर्ति स्थापित की जानी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विस्तार से जानकारी दी। राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। आपने पढ़ लिया होगा, 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है। विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो, तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए। 5 वर्ष का जो बालक होगा उसी के बराबर क्या वो रामलला का मूर्ति बनी है, क्योंकि राम की जन्मभूमि है, यहाँ वही रहते हैं जो जैसे अभी छोटे छोटे चारों भाई की हैं, तो उसी प्रकार की 5 वर्ष के आयु के समान वह मूर्ति बन चुकी है, उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वही उस भगवती मंदिर में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हम लोगों ने ये हमेशा प्रयास किया है जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं उन्हीं को हम लोग प्रमोट करें, उसमें से जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त होने वाली जातियों को भी हम लोग दोबारा से प्रमोट करें। तो वन विभाग के साथ मिलकर अयोध्या विकास प्राधिकरण बड़े पैमाने पर प्लांटेशन और जो रामायणकालीन वृक्ष और वनस्पतियां हैं उनको दोबारा से उत्पन्न लगाया जाए, यहाँ पर इसका कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हॉर्टिकल्चरल ब्यूटिफिकेशन फ्लावर्स के साथ में जो सीजनल फ्लावर्स हैं उनको लगाते हुए ये भी बड़े पैमाने पर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।